मूवी शुरू होती है एक क्यूट लड़की से जिसका नाम होता है पैनी। उसके लिए एक डॉग आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे डॉग बहुत पसंद थे। वो उसका नाम बोल्ट रखती है और उसके नाम की चेन उसके गले में भी डालती है। ये एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इसी तरह से 5 साल हो जाते हैं यानी 50 ईयर्स हो जाते हैं इन दोनों के साथ रहते हुए। पैनी भी बड़ी हो चुकी होती है ऑफिसली बोल्ट भी। लेकिन तभी उसे कुछ साइंटिस्ट ले जाते हैं और उसपे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन उसका ये फायदा होता है कि उसमें सुपर पावर आ जाती है। अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था। तभी पैनी को पता चलता है उसके फादर मुसीबत में हैं और उन्हें पैनी की जरूरत है। उन्हें कुछ लोगों ने अपने पास रखा होता है तो पैनी और सुपर डॉग वहाँ जाते हैं जहाँ वो अपने फादर को बचा सके। पैनी और बोल्ट कैंसर से अपने फादर को छुड़ाने जा रहे होते हैं तो उनके पीछे भी कुछ कैंसर लग जाते हैं। बोल्ट बहुत तेज से पाव रखता है। वहाँ पर जो उन लोगों की गाड़ियाँ होती हैं वो उड़ने लगती हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इन लोगों को बाद में पता चलता है कि ये कोई क्राइमिस्ट नहीं थे और ना ही इनके पीछे थे। तो थे कौन? अरे वहाँ पर तो शूटिंग चल रही थी और वो किसी मूवी का सीन रिकॉर्ड कर रहे थे और बोल्ट ने तो उन्हें चोट पहुँचा दी। बोल्ट एक्टर का काम करता था। फिल्म का डायरेक्टर ये नहीं चाहता था कि बोल्ट को बताया जाए कि इसे किस तरह से एक्टिंग करनी है। वो तो यही चाहते थे कि वो इस तरह से करे, सब दूर जा गिरे ताकि सब नेचुरल फील हो। इसके बाद हम पैनी को देखते हैं जो बोल्ट को अपने साथ अपने घर ले आई थी। उनको ये नहीं पता होता है कि ये शूटिंग चल रही होती है तो वो बोल्ट को समझाने लगती है। बोल्ट उससे बहुत प्यार करता है और वहाँ से नहीं जाना चाह रहा होता है। तभी पैनी कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कितने अच्छे डॉग हो लेकिन हम एक साथ नहीं रह सकते। तुम अब अपने प्रोफेशन पे फोकस रखो और तुम्हारा असली घर वहाँ है लेकिन तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। बोल्ट का घर वैन में होता है और पैनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर दो कैट आती और वो बोल्ट को परेशान करने लगती हैं कि अच्छा तुम ही हो सुपर डॉग, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में और तुम यहाँ रहती हो। वो भी बोल्ट को नहीं बताती है कि जो कुछ आज हुआ वो एक शूटिंग है। वो उससे कहती है वो आदमी पैनी को दोबारा तंग करेगा, क्या तुम उसे दोबारा बचाओगे? बोल्ट कहता है हमेशा बचाऊंगा। अब अगला दिन फिर से स्टार्ट होता है और हम पैनी और बोल्ट को देखते हैं जो कि दोबारा उसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर पैनी के फादर होते हैं और यहाँ पर भी शूट की जा रही होती है। और इस सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसे पता चल जाता है कि पैनी और बोल्ट यहाँ आ चुके हैं तो वो पैनी को भी अपने पास पकड़ लेते हैं और बोल्ट को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। पैनी को तो पहले शूट में बहुत मजा आ रहा होता है क्योंकि असल में उसके फादर को किसी ने भी कैद नहीं किया होता है। लेकिन तभी वो देखती है कि बोल्ट बॉक्स में बंद है तो वो परेशान हो जाती है कि वो भी बंद है और उसके फादर भी। तो वो बोल्ट को बचाने जाती है कि वो सेफ है लेकिन तभी डायरेक्टर कहता है कि हमें इसे नेचुरल रखना है। बोल्ट काफी मजे की एक्सप्रेशन दे रहा है तो तुम्हें क्या इशू हो रहा है? फिर हम देखते हैं कि बोल्ट को भी छोड़ दिया जाता है जहाँ वो रहता था। वो काफी गुस्से में था क्योंकि उसे अपनी पैनी को बचाना था क्योंकि वो अभी भी समझ ही रहा था कि उन्हीं के पास है उसकी प्यारी पैनी। वो गुस्से से अपनी बहन से बाहर निकलता है। उसे लगता है पैनी यहाँ पर है। वो जोर से जंप लगाता है और खुद ही एक बॉक्स में गिर जाता है जिसमें कुछ पिंक कलर की फॉर्म्स होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे पैक करने लगता है। बोल्ट भी उसी बॉक्स में होता है जहाँ वो लोड किया जा रहा होता है। वो बॉक्स को तोड़ते हुए बाहर निकलता है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पैनी को बचाना था। वो नहीं जानता था कि वो एक शूटिंग का हिस्सा है, वो सब लोग सेफ हैं। उसे काफी गुस्सा आ जाता है। उसे तो पहले ही फील होता था कि उसमें सुपर पावर है, अब वो उनको यूज करना चाहता था। अब बोल्ट वहाँ पर भागने लगता है उस बॉक्स में जिसमें पैनी को रखा होता है। भागता भागता रोड पर आ जाता है। वो काफी ऊंचाई से जंप लगाता है लेकिन बेचारा गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो रोड पर जाता है उसे वही बॉक्स दिखाई देता है। वो कहता है पैनी इसी में थी। लेकिन जब तक वो बॉक्स तक पहुंचता है तो उसमें कोई चीज नहीं होती है और वो दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है अपनी प्यारी पैनी को ढूंढने के लिए। तभी भागते भागते वो किसी चैन में फंस जाता है। तभी वहाँ पर कुछ कबूतर आते हैं जो कि उसका सर निकालने में उसकी हेल्प करते हैं। तभी बोल कहता है क्या तुम मुझे एक बिल्ली के बारे में बता सकते हो? उसको उसके बारे में पता है जिसने मेरी पैनी को अपने पास रखा है। अब बोल्ट उस बिल्ली तक पहुंच जाता है लेकिन वो बोल्ट को कुछ नहीं बताती।
तो बोर्ड उसे ब्रिज पर ले जाता है और कहता है कि तुम मुझे बताती हो या फिर मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकूँ। तभी बिल्ली की नज़र उसके गले पर पड़ती है। उसके ऊपर हॉलीवुड लिखा होता है, यानी वो हॉलीवुड का एक हिस्सा है। तो बिल्ली कहती है, अच्छा मुझे ऊपर तो लेकर आओ। बोल्ट भी बहुत चालाक होता है, उसके गले में जो बेल्ट होती है उससे वो उस बिल्ली को बांध देता है कि कहीं ये शरारती बिल्ली भाग ना जाए। बिल्ली उसे सब कुछ समझाने लगती है कि वो कहाँ पर है जिसने पैनी को पकड़ रखा है। तो बिल्ली उसे एक जगह पर लेके जाती है और कहती है, बस यहाँ पर है वो। लेकिन ट्रक में लॉक लगा होता है। बोल्ट उस लॉक को खोलने लगता है। उसे लगता है मैं इसे खोलूंगा और ये खुल जाएगा, क्योंकि बोल्ट खुद को सुपर हीरो मानता था, ऐसा डॉग जिसने सुपर पावर है। बिल्ली उसे कहती है, अब छोड़ भी दो मेरी जान। बोल्ट कहता है, तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी पैनी मुझे मिलना चाहे। तभी हम देखते हैं उस ट्रक में सोफा लोड किया जा रहा होता है, तो उसी के नीचे बोल्ट और वो बिल्ली होती है। ट्रक में जाते ही बिल्ली बॉक्स के अंदर देखने लगती है। उसे एक चीज मिलती है जिसे वो बोल्ट के सर पे मारने लगती है कि ये बेहोश हो और मैं अपनी जान बचाकर भागूं। लेकिन वो बेचारी खुद ही गिर जाती है और बाकी सारे बॉक्स उसके ऊपर, लेकिन साथ ही साथ वो पिंक फॉक्स भी उसके ऊपर गिर जाती है। वो तुरंत ट्रक से बाहें जम लगाता है। वो बेचारा काफी डर जाता है और ट्रक से जम लगाने की वजह से उसे दर्द भी हो रहा होता है। तो बोल्ट बिल्ली से कहता है कि यार अब तक तो मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। तो बिल्ली कहती है, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, तुम चलते हुए ट्रक से जंप लगाओगे और तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, वाह। तो बोल्ट कहता है, सच में मुझे सुपर पावर है, लेकिन ये पिंक फॉर्म्स है ना, इससे मुझे चोट लग जाती है। पहले भी मैं इसमें गिरा, लेकिन अब मैं इसमें गिरा तो मैं ट्रक से नीचे ही गिर गया। अब जब ये मेरे ऊपर गिरी है तो मुझे दर्द हो रहा है। तो बिल्ली कहती है, तुम्हारा कोई हाल नहीं होगा बोल्ट। लेकिन तभी बिल्ली को एक आइडिया आता है कि इसे तो पिंक फॉर्म से डर लगता है, तो फिर वो उसकी तरफ करती है। वाकई में बोल्ट डर रहा होता है, लेकिन बोल्ट जल्दी ही बिल्ली को हरा देता है और कहता है, मुझे भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं। तभी बिल्ली उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर खाना बनाया जा रहा होता है। तो बिल्ली उससे कहती है, सुनो तुम्हें भूख लग रही है ना, वैसे भी इंसानों को डॉग बहुत पसंद है, बस तुम्हें क्यूट सी एक्टिंग करना है कि मुझे खाना चाहिए, फिर तुम्हारी हरकतों से ना पता चल जाएगा कि तुम्हें खाना चाहिए। तो बोल्ट कहता है, यार मैं एक एक्टर हूँ, आज तक मैंने खाना नहीं मांगा। तो बिल्ली उसे बताती है, मैं भी ऐसे ही मांगती हूँ, अब तो मांगना ही पड़ेगा वरना खाना कैसे मिलेगा। तो वो डॉगी यानी बोल्ट ऐसा ही करता है। थोड़े आगे जाते ही उन्हें हैमस्टर मिलता है जो कि बहुत क्यूट होता है। वो बोल्ट को देखकर कहता है, मेरे सुपर हीरो, मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी आँखों पे कि मैंने आपको देख लिया। तो बोल्ट कहता है, थैंक यू। तो हैमस्टर कहता है, पैनी को बचाने जा रही हूँ, मुझे पता है पैनी मुश्किल में है। तो जाहिर है हैमस्टर ने एपिसोड देख लिए होते हैं। बोल्ट को तो यकीन ही नहीं होता कि भला इसको कैसे पता। वो कहता है, हाँ मैं पैनी को ही बचाने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ ना। बिल्ली बोल्ट और हैमस्टर साथ निकल जाते हैं पैनी को बचाने। वो यहाँ पर इसीलिए आए होते हैं क्योंकि नीचे ट्रेन गुजरने वाली थी। बोल्ट का प्लान था यहाँ से जंप करने का, लेकिन बिल्ली डर जाती है। बिल्ली कहती है, तुम्हें लगता है तुम जंप करोगे और तुम बच जाओगे। बोल्ट कहता है, ऐसा ही है, मैं सुपर हीरो हूँ। बिल्ली कहती है, कहाँ के सुपर हीरो हो तुम, सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर हो, रियल में हीरो नहीं हो, तुम मर जाओगे और साथ में मुझे भी मार डालोगे। लेकिन बोल्ट जंप कर जाता है, उसके गले में रस्सी होने की वजह से वो भी साथ में जंप लगा देती है, लेकिन वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। बोल्ट नीचे उतरता है और बिल्ली को भी नीचे आने को कहता है, लेकिन बिल्ली कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। तो बोल्ट जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं। बिल्ली कहती है, बोल्ट चुप रहो, लेकिन बोल्ट भौंकता रहता है क्योंकि उसे प्रूफ जो करना था कि वो सुपर हीरो है, लेकिन यही करना उसे महंगा पड़ जाता है। एनिमल कंट्रोल वाले बोल्ट और उन दोनों को ही पकड़ कर ले जाते हैं। वो लोग ट्रक में एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। बोल्ट उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और फाइनली खोल लेता है। वो काफी खुश होता है और हैमस्टर से कहता है, देखा मैंने खोल लिया। तो हैमस्टर कहता है, मैं बचाने आया था, मैंने बाहर से खोला था। तभी बोल्ट की नज़र अपनी बॉडी पर पड़ती है, तो वो कहता है,
ये तो मिट रहे हैं और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं सुपर डॉग नहीं हूँ। क्या वाकई हैमस्टर? तो हैमस्टर कहता है, यार मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, क्या चाहते हो तुम? तभी बोल्ट कहता है, बिल्ली अभी भी बिल्ली उसी ट्रक में है, उसको बचाना होगा जैसे कि उसने हमारा साथ दिया है। अब वो दोनों बिल्ली को बचाने जाते हैं। वो लोग बिल्ली को बचा लेते हैं। बिल्ली बहुत खुश होती है और बोल्ट से कहती है, तुम वाकई में नॉर्मल डॉग नहीं हो, तुम तो रियल लाइफ वाले सुपर हीरो हो, क्योंकि तुमने मुझे बचाया, बल्कि मैंने तो तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं किया था। तो बोल्ट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं नॉर्मल डॉग ही हूँ, कोई सुपर डॉग नहीं। तो बिल्ली कहती है, हाँ नॉर्मल डॉग होने में कोई बुरी बात तो नहीं है, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि नॉर्मल डॉग कैसे रहते हैं। तुम जो चाहो अपनी लाइफ में वो कर सकती हो, कोई रोका टोकी भी नहीं है। और वो दोनों एक साथ खेलने लगते हैं। बिल्ली उसे बहुत कुछ सिखाती है जो कि बोल्ट ने अपनी उस लाइफ में कभी भी नहीं सीखा होता है। लेकिन तभी अचानक से बोल्ट को ख्याल आता है कि मेरी प्यारी पैनी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे बचाना है। तो बिल्ली उसे एक पोस्टर दिखाती है। तो बिल्ली कहती है, जिस मूवी में तुम काम कर रहे हो उसमें पैनी को भी यूज किया गया है, तुम्हारे एक्सप्रेशन नेचुरल रखने के लिए तुम्हें बताया ही नहीं गया कि ये सब एक मूवी का सीन है। पैनी को नहीं पकड़ा गया और उसके डैड भी सेफ हैं। बोल्ट काफी हैरान होता है। बिल्ली उससे कहती है, हैरान होने की कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज है, मुझे पहले मेरी ऑनर बहुत पसंद करती थी। पहले तो बोल्ट उसकी बात पे यकीन कर लेता है, लेकिन तभी बात को कहता है कि तुम्हारी बात पे मैं कैसे यकीन करूं? मुझे अपनी ऑनर को बचाना है, तुम्हारी बातों में आकर कहीं देर ना हो जाए। बोल्ट उस जगह निकल जाता है जहाँ उसकी फैमिली होती है। वो पैनी को ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे पैनी की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागता हुआ पैनी के पास जाता है। लेकिन इससे पहले ही वो देखता है कि एक और डॉग है जो कि थोड़ा सा बड़ा है और वो बिल्कुल बोल्ट के ही जैसा है। उसकी बॉडी पर भी वही टैटू है और पैनी उसे गले लगा रही है। तो बोल्ट सोचता है कि मेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया है, पैनी का फेवरेट डॉग शायद के यही है। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है, पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो शूटिंग हो रही होती है। दूसरी तरफ बिल्ली और हैमस्टर का पीछा करते हुए आ रहे होते हैं। पैनी अपनी मॉम के पास जाकर कहती है कि मुझे शूटिंग करते हुए अच्छी नहीं लग रही और ना ही मेरा दिल लग रहा, मुझे बोल्ट बहुत याद आता है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। लेकिन बोल्ट ये बातें नहीं सुन पाता, वो बिल्ली के पास जाता है जो कि वहाँ पहुँच चुकी थी। वो बिल्ली से कहता है, तुम सही हो कि हमें लोग कुछ टाइम के लिए प्यार करते हैं फिर हम रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन बिल्ली कहती है, मैं भी गलत हो सकती हूँ, तुम्हें पता नहीं है अभी मैं पैनी की बातें सुनकर आई हूँ, वो तुम्हें बहुत मिस करती है और जो तुमने अभी देखा वो एक मूवी का सीन था। तो बोल्ट कहता है, बस करो, कितनी बार अपनी बात बदलोगी, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग वहाँ से उस जगह जाते हैं जहाँ मूवी का अगला सीन शूट हो रहा होता है। पैनी को किसी जगह लटकाया जाता है जो दूसरा डॉग होता है, यानी जो बोल्ट के जैसा दिख रहा होता है। उसका यहाँ पर यह सीन था कि वो पैनी को जाकर बचाए, लेकिन वो इस सब से डर जाता है और बोल्ट की तरह एक्टिंग नहीं कर पाता। पर इसी बीच वहाँ पर आग लग जाती है, सब लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। पैनी बेचारी अकेली रह जाती है, उसे बहुत दुख होता है कि उसकी फिक्र किसी ने भी नहीं की। लेकिन तभी वहाँ पर असली डॉग आता है यानी बोल्ट, और पैनी को बचा लेता है। पैनी उसे गले से लगा लेती है और कहती है, बोल्ट मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन पैनी बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। बोल्ट उसके पास ही रोने लगता है कि कोई उसके हेल्प के लिए आए। तभी वहाँ पर एक टीम उन्हें बचाने के लिए आती है। उन दोनों को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सब लोग, चाहे वो बोल्ट के फैन हो या नॉर्मल लोग, सभी बोल्ट की तारीफ कर रहे थे कि मूवी में भी ये सुपर हीरो था और रियल लाइफ में भी इसने पैनी की जान बचाकर हीरो वाला काम किया। इसको सुनकर बोल्ट काफी खुश होता है। बोल्ट और पैनी इस मूवी में दोबारा से काम करने लगते हैं और वो सब एक साथ रहने लगे थे। और मजे की बात ये है कि बिल्ली और हैमस्टर ने के साथ रहने लगे हैं, उनकी लाइफ बहुत ही मजे की है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और रोजाना मजे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।